नमस्कार, जय जिनेंद्र, जय श्री महाकाल। स्वागत है आप सभी का मेरे इस वीडियो में, जहां पर हम बातचीत करेंगे स्टॉक मार्केट की कल की रणनीतियों के ऊपर। बातचीत करने के पहले हमने आज के लिए क्या रणनीतियां बनाई थी, क्या निफ्टी के, बैंक निफ्टी के सपोर्ट रेजिस्टेंस लिए थे, कौन से स्टॉक्स हमारी होल्डिंग पर थे, कौन से स्टॉक्स में आज बाय सेल रिकमेंड किया था, क्या थे हमारे मैजिकल फिगर, सबकी बातचीत करेंगे एकदम छोटे से वीडियो में और एकदम आसान भाषा में। और फिर बात करेंगे कल की, कि कल के लिए निफ्टी के, बैंक निफ्टी के क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस निकल के आ रहे हैं। निफ्टी में करंट मंथ फ्यूचर की एक्सपायरी की बात करता हूं और इक्विटीज की जो भी बातचीत करता हूं, यानी शेयर्स की जो भी बातचीत करता हूं, वो एनएससी इक्विटीज के होते हैं। फिर बात करेंगे मैजिकल फिगर्स की, क्या मैजिकल फिगर्स में बदलाव है। मैजिकल फिगर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। मैजिकल फिगर के आधार पर हम लोग बाजार का ट्रेंड डिसाइड करते हैं कि बाजार ऊपर की दिशा में चल रहा है या फिर बाजार नीचे की दिशा में चल सकता है, कहां से ब्रेकआउट आ सकते हैं, अगर बाजार बढ़ते हैं तो कहां तक बढ़ सकते हैं, ये सब मैजिकल फिगर बताते हैं। बात करेंगे पहले स्टॉक स्पेसिफिक की, कि हमारे पास क्या होल्डिंग पर था। हमारे पास टाटा स्टील होल्डिंग पर था, जो हम लोगों का बाय हुआ था 1418 के आसपास, 1389 का उसका रिवाइज स्टॉप लॉस करवाया था, जहां पर हम लोगों को 2% के आसपास कैपिटल का नुकसान हुआ होगा। दूसरा होल्डिंग पर कुछ भी नहीं था। वीईडीएल ऑलरेडी हमारी परफॉर्मेंस शीट में रिकॉर्डेड है, तो जो आज वीईडीएल एग्जीक्यूट हुआ है, तो मैंने 307 रुपए का ऑलरेडी रिकॉर्ड करके रखा हुआ है, आप लोगों ने भी उसमें एग्जीक्यूशन किया होगा, तो होल्डिंग पर होगा। दूसरा जो स्टॉक आज के लिए लिया था, वो लिया था अल्ट्रा सेमको को बाय करना था 7430 के आसपास, 7426 का लो पोस्ट किया है, 7600 के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे थे, 7545 का इसने हाई पोस्ट किया है, 7474 के आसपास की इसकी क्लोजिंग आई है, तो यहां पर आप लोगों को 1% के आसपास गेन हो रहा होगा क्लोजिंग के हिसाब से। सनफार्मा को बाय करने कहा था 7750 के आसपास, 7220 का लो पोस्ट के एग्जीक्यूशन नहीं हो पाया, ना ही इसको परफॉर्मेंस शीट में कहीं रिकॉर्ड किया है। चौथा स्टॉक लिया था एसबीआई बैंक को, 425 के आसपास बाय करना था, 423.90 का स्टॉप लॉस था, 436 के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे थे, आज का हाई 436.40, लो है 421.70, टारगेट अचीव होने के बाद ये बाइंग रेंज पे आया, तो आइडियली हमारे रूल के हिसाब से अगर एक बार टारगेट अचीव हो जाए तो वो उसका एग्जीक्यूशन हम परफॉर्मेंस शीट में नहीं लेते हैं। बात करेंगे कल के कौन से स्टॉक्स नजर आ रहे हैं। आईसीआईसीआई बैंक को बाय करेंगे 695-698 के आसपास, 689.90 का स्टॉप लॉस, 714 तक के टारगेट। दूसरा स्टॉक होगा हमारा एचडीएफसी बैंक, 1493-1498 के आसपास बाय करेंगे, 1472 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, टारगेट 1533 के। तीसरा स्टॉक होगा हमारा सनफार्मा को 788-791 की रेंज में बाय करेंगे, 785 का छोटा सा स्टॉप लॉस, टारगेट 820 के। चौथा स्टॉक होगा हमारा सिप्ला को बाय करेंगे 905-908 की रेंज में, 899.90 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, टारगेट 944 के। ये होंगे हमारे कल के लिए चार स्टॉक्स। अब बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी की और मैजिकल फिगर्स की। आज का जो सपोर्ट लेवल लिया था, अच्छा बैंक जब निफ्टी का मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का जब मैं मैजिकल फिगर डिस्कस करूंगा, तब डिस्कस करेंगे कि बाजार में किस तरह की चाल रह सकती है कल के लिए। 16180 का सपोर्ट लेवल लिया था, आज का लो है 16209 का, वाओ सपोर्ट को ब्रेक नहीं कर पाया। रेजिस्टेंस लेवल लिया था 16415 का, आज का हाई 16559, यानी एक वापस एक नया हाई पोस्ट किया और वहां से एक करेक्शन दिया बाजार ने। 16150 का मैजिकल फिगर था, मैजिकल फिगर के ऊपर चल रहा है बाजार, तो स्वाभाविक रूप से तेज है। 16277 के आसपास की इसकी क्लोजिंग आई है। कल के लिए इसके सपोर्ट नजर आ रहे हैं 16260 और 16180। 16444 का पहला रेजिस्टेंस, 16466 का दूसरा रेजिस्टेंस। बात करूंगा बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी का पहला सपोर्ट था 35915 का, आज का लो है 36012 का। रेजिस्टेंस लेवल लिया था 36510 का, हाई है इसका 36395 का। 510 का अपन ने रेजिस्टेंस लिया था, 395 का इसने हाई पोस्ट किया, उसी तरह से नीचे का भी सपोर्ट तक नहीं जा पाया, ऊपर से ही घूम गया। क्लोजिंग आई है 36135 के आसपास की। कल के लिए इसके सपोर्ट नजर आ रहे हैं 35990-35690, रेजिस्टेंस 36615 और 36880। अब बात करेंगे मैजिकल फिगर्स की। मैजिकल फिगर जो आज के लिए था निफ्टी का 16150 का था, अब वो मैजिकल फिगर थोड़ा सा कम हो चुका है, यानी कि डिक्रीज हो चुका है, 16111 का मैजिकल फिगर है। जब तक मैजिकल फिगर के नीचे नहीं जाता तब तक करेक्शन ट्रिगर नहीं होगा। 16111 के नीचे ट्रेड कराता है तो अल्टीमेट इसका जो ब्रेकआउट होगा नीचे का, अल्टीमेट ब्रेकआउट होगा 16000 का। अगर 16000 के नीचे रुकता है, टिकता है, क्लोज होता है, तो ये हो सकता है एक बड़ी मंदी देखने को मिले। लेकिन जब तक 16000 को ब्रेक नहीं करता तब तक मंदी वालों को घबराने की कोई बात नहीं है। मुझे ऐसा पर्सनली लगता है शॉर्ट कवरिंग या फिर इंटरनेशनल मार्केट की वजह से 16440-16470 के रेट एक बार दिखाना चाहिए स्क्रीन पर निफ्टी ने।
बैंक निफ्टी का मैजिकल फिगर था 35600 का, अब वो मैजिकल फिगर हो चुका है 35600 का। बैंक निफ्टी के मैजिकल फिगर में कोई बदलाव नहीं है। ओवरऑल बैंक निफ्टी अगर 35270 के नीचे ट्रेड कराती है तो एक बड़ा करेक्शन ट्रिगर हो सकता है, लेकिन जब तक 35270 के नीचे ट्रेड नहीं करा रही है तब तक 36600 प्लस का भाव एक बार दिखाना चाहिए। तो मेरी एक्सपेक्टेशन ये है 16440 के ऊपर का भाव एक बार टच करना चाहिए निफ्टी ने, और बैंक निफ्टी ने 36600 के आसपास का एक बार भाव टच करना चाहिए। तो तेजी वालों के लिए अभी भी कोई समस्या की बात नहीं बाजार में, बाजार टिक गया रुक गया। अपन ने चार दिन लास्ट फ्राइडे को 16350 के आसपास का एक बेहतरीन रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करके आप लोगों को बताया था, वो रेजिस्टेंस को बराबर रिस्पेक्ट कर रहा है। आज ऑलमोस्ट चौथा ट्रेडिंग सेशन था उसको ब्रेक करके टिक नहीं पा रहा। तो कम से कम इस वीडियो के आधार पर आप लोगों को ये पता चल जाता है कि बाजार अगर बढ़ रहे हैं तो कहां बढ़ रहे हैं। इस तरह की नए जोन पे आने के बाद बाजार में रेजिस्टेंस निकालना इतना आसान नहीं होता है, जो कि इंटेलिजेंस के माध्यम से आप लोगों को सब पता चल जाता है। आशा करता हूं आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं। तो जाते जाते प्यार मोहब्बत भरा लाइक का बटन जरूर दबाइए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ भी शेयर करिए, ताकि वो भी मेरे द्वारा बताई हुई रणनीतियों को एग्जीक्यूट करके बना सके मुनाफा। उन लोगों के साथ जरूर शेयर करिए जो कहते हैं स्टॉक मार्केट में पैसा बनता नहीं है, या फिर जो इस स्टॉक मार्केट से निगेटिव होकर बैठे हुए हैं। हम उनको सिखाएंगे कायदा, तभी होगा उनको भी फायदा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी सारी सोशल मीडिया की लिंक होती है, स्पेशली पब्लिक टेलीग्राम चैनल पे जरूर जुड़ जाइए, ताकि आपके और मेरे बीच की कनेक्टिविटी बनी रहे। जो भी बातचीत मैं वीडियो में करता हूँ उससे रिलेटेड कोई भी अपडेट्स होती हैं तो मैं पब्लिक टेलीग्राम चैनल में जरूर पोस्ट करता हूँ, ताकि आपके और मेरे बीच का ब्रिज बना रहे और उसको मैं परफॉर्मेंस शीट में एंट्री को वैलिडेट करके क्लोज कर पाऊँ। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ कंपनियों के अकाउंट ओपनिंग के लिंक होते हैं, आप चाहें तो उन्हें क्लिक करके अपने अकाउंट ओपन कर सकते हैं और एग्जीक्यूट कर सकते हैं मेरी बताई हुई रणनीतियों को और पा सकते हैं कुछ एक्सक्लूसिव बेनिफिट्स। उसके लिए आपको इंटेलिसिस के कस्टमर केयर में संपर्क करना होगा। ऊपर आई बटन में पास्ट वीडियोज के लिंक होते हैं, उन्हें भी देखिए, ताकि मनी मैनेजमेंट रिस्क मैनेजमेंट किस तरह से बाजार की साइकोलॉजी को पढ़ा जाता है, किस तरह से ब्रेकआउट आइडेंटिफाई किया जाता है, किस तरह से मैजिकल फिगर्स में चेंजेस आते हैं, बहुत कुछ सीखने मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत।